हमारा जो केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है एनिसोल एनिसोल बेंजीन जो एक OCH3 होता है, और इसका रिएक्शन जब हम कोल्ड टेम्परेचर में करवाएंगे HI के साथ, तो ये जो बेंजीन के साथ जो वो जो ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो इसके लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ कंजुगेशन में रहेंगे, जो बेंजीन जो बेंजीन इनकी पाई बॉन्ड है, तो इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा जब यहाँ पे ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। फिर क्या होगा, फिर ये जो लोन पेयर है ये इसको इस CH3 को पुश करेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा, ये CH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये जो आयोडाइड आयन है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और हमें मिलेगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, विच इज ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज सैंडमेयर सी एजेंट। सो सैंडमेयर सी एजेंट होता है TuCl2, इसको रिव्यू पे करके आगे तुम्हारा देखते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस एनायोनेस। अभी पहले इजी इजी क्वेश्चंस, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट एसिडिक। सबसे पहला है फिनॉल, दूसरा है ऑर्थो पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और तीसरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, और तो चौथा है वो है पिक्रिक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें होगा पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसमें जो NO2 जो है इसका जो काफी ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है इसको खींचेगा, और जो OH बॉन्ड है वो वीक होगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी रिएक्शंस आर नेम्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक असाइल हैलाइड और एडाइल हैलाइड, वो भी ले सकते हैं, या फिर ये रिएक्शंस होती हैं एनहाइड्राइड्स पे, जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सी है, ये एनहाइड्राइड है तो इस पे रिएक्शन होगी। जो ऑप्शन बी है इस पे साइल हैलाइड है, इसमें भी रिएक्शन होगी, ऑप्शन डी में भी रिएक्शन होगी, और जो ऑप्शन ए है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं। तो BCD यानी तीन ऐसी रिएक्शंस हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका आंसर 3। द कंपाउंड एक्ट्स इन द रिएक्शन व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद HCl एंड विद एन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये तो सिर्फ जो NCRT में रिएक्शन है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन वो है, इसमें तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जो AlCl3 है ये लीविस एसिड है, और ये बेंजीन पे अटैक करके विद HCl की प्रेजेंस में मैं क्लोरोबेंजीन, इसका आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट बी, तो इसमें है ऑर्थो और पैरा पर क्लोरीन की रिएक्शन है HNO3 और H2S4, तो ये नाइट्रेशन हो रहा है इस रिएक्शन में बेंजीन इस प्रोडक्ट का। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये हमें कंपाउंड दिया है, तो जो HNO3 और H2S4 है, तो HNO3 NO2 बनाएगा और NO2+ बनाएगा और इस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा NO2, तो ये प्रोडक्ट ये होगा ए, और फिर इसकी फर्दर रिएक्शन जब होगी CH3ONa के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो SN2 रिएक्शन होगी और ये इस क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा और यहाँ आ जाएगा CH3O, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, एक बेंजीन रिंग इसी को एडिट कर OCS, तो ये हो जाएगा बी, ये है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन DDT। DDT क्या होता है, DDT होता है
डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका स्ट्रक्चर है। ये तो बेंजीन रिंग्स होती है जिनके फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन और यहाँ पे ये दो कार्बन, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्लोरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड इज अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो यानी एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, C15H31COOA, तो ये तो पोटेशियम स्टीरेट है, तो ये तो सोप होता है। सेकेंड ऑप्शन है C12H25SO3NL, ये सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का जो कि डिटर्जेंट में यूज होता है, तो ये होगा इसका सही आंसर C12H25SO3NL, जिसके अंदर भी SO3 ग्रुप होता है ना वो डिटर्जेंट यूज होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो NS के साथ होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी ये होगा। Among the following number of artificial sweetening the agents is saccharin artificial sweetener है, aspartame भी artificial sweetener है, sucralose artificial sweetener है और elitame भी, DHA नहीं है, thymol नहीं है और elitame भी artificial sweetener है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। Among the following biomolecules which is not soluble in water, ग्लाइसिन, माइलोपेक्टिन, माल्टोस और इंसुलिन, तो एनसीईआरटी में दिया है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि जो स्टार्च होता है उसके दो जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं माइलोपेक्टिन और अमाइलेज, तो ये वो माइलोपेक्टिन है जो कि वाटर इंसोल्यूबल होता है, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा। विच ऑफ द अमीनो एसिड इज बेसिक अमीनो एसिड, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये तो एसिडिक है, फर्स्ट पे कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकते और फोर्थ पे भी ऐसे कुछ नहीं कर, पर जो थर्ड वाला है, थर्ड में यहाँ पे NH2 ग्रुप है तो इसको वीक बेस बनाएगा, तो ये इस NH2 की वजह से ये वाला अमीनो एसिड बेसिक नीचे का होगा। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 51 होता है। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म स्टार्टिंग विद डिफरेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, तो ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में तीन अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें बस डिफरेंस क्या होता है, जितने भी हमसे पूछा है स्टार्टिंग विद थ्री डिफरेंट हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म, तो उनके बस सीक्वेंस में डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी सी बी ए, तो ये तो दोनों ही अलग अलग ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनका सीक्वेंस अलग है, तो इसी तरह टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास अगर तीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, तो ये हो जाएगा कि ये सेम वैसा ही केस हुआ कि तीन लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है किसी ऑर्डर में, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो 3 factorial हो जाएगा। 6. Among the following total number of essential amino acids, तो arginine होता है, 309 भी होता है, valine होगा, proline नहीं होगा, methionine होगा, lysine भी होगा, tryptophan होगा, serine नहीं होगा। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, वैसे होती है, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल, ये होता है आर्गेनाइन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, 309, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइललिनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, तो इस ट्रिक से भी याद रखते हैं, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सेराइन और जो प्रोलाइन है वो नहीं, आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C2H5NO2 एंड C2H5ONO,
तो क्या रिलेशन होगा, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, NO2 और ON। तो जिन भी आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ONO हो सकता है, NO2 का पेयर हुआ, या फिर SCN NCS का पेयर, साइनाइड आइसोसाइनाइड का पेयर हुआ, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं, तो वो होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसमें बस मैं ये नीचे वाली रिंग बना के बता दूं, CH3। तो ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल होगा और ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। कायरल मतलब उस कार्बन पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, तो जो कार्बन कायरल होता है वो स्टीरियो आइसोमर्स शो करता है। तो ये इस प्लेन के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है क्लोरीन एटम, और ऐसे CH3 भी। तो क्लोरीन के दो पॉसिबल आइस दो पोजीशन हो सकती है, और ऐसी CH3 के लिए भी। तो आंसर हो जाएगा 4, चारों पॉसिबल है, मतलब क्लोरीन अप, CH3 डाउन, क्लोरीन अप दोनों, मतलब दोनों डाउन दोनों, और जो बचा है उसमें तो चार हो गए। मंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव में भी सेम लॉजिक यूज होगा, हमें कायरल कार्बन ढूंढना, जिसमें भी कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जैसे 4-ऑक्सो-पेंटेनल, 4 पे ऑक्सो है, तो इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग हो, तो चारों ग्रुप्स अलग हो तो ये नहीं शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। 2-मिथाइल-4-ऑक्सो-पेंटेनल, यानी यही जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 पे मिथाइल लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन है ये कायरल हो, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये रेसिमिक मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा, इसके दोनों इनिशियल होंगे। तो ये सेकंड वाला होगा, और पेंटेन 3-ओन, तो इसमें भी कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो कायरल हो, तो ये भी शो नहीं करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। और 2-मिथाइल-प्रोपेन-2-ओल, 2 पे मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन ही सेकंड कार्बन, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है। अब इससे क्या हुआ, जो ये वाला कार्बन है सेकंड वाला, ये कायरल हो गया, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, इसके दो इनिशियल होंगे। तो इसमें दो, इन चारों कंपाउंड में से दो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, तो इसका आंसर हुआ 2। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClFi, C2BrClFi, तो ये हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब इसमें से एक एल्कीन ये हो सकती है, BrClFi। तो हमें ऐसे बताना टोटल कितना आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। तो ये मतलब इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, और हमें उनमें से कोई भी दो पिक करनी है। तो ये करने के कितने वेज होंगे, 4C2 6, तो हमने क्या करा, कोई भी ये चारों हेलोजन एटम्स हैं इनमें से कोई भी दो पिक करे और उनको एक साइड पे कर दिया, और हर एक आइसोमर जो ऐसे हम इस तरीके से बनाएंगे वो डिफरेंट होगा, इसका आंसर होगा 6। इस क्वेश्चन में एक भी स्टीरियो आइसोमर मतलब इनेंशियोमर नहीं होगा इनका किसी का भी, क्योंकि तो इन सब के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है, इसमें भी हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है, हमें कायरल कार्बन ढूंढना है। तो जैसे इसमें यहाँ पे
जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आउट ऑफ प्लेन होता है, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. तो सीधे बीच वाला कार्बन. तो अब अगर ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये अलग हुए और ये दोनों ग्रुप्स अलग हुए तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. मतलब अगर यहाँ पे कोई ग्रुप ए है, यहाँ कोई ग्रुप बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो अगर बी नॉट इक्वल टू सी हुआ और ए नॉट इक्वल टू डी हुआ तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. तो यहाँ पे एक एच है और एक सी एच थ्री है इस कार्बन के ऊपर. तो यहाँ पे ये हम इसे काइरल कार्बन से रिपीट करेंगे. और सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ये भी ऐसे ही होगा. तो 1, 2, 3 और जो पीछे वाला कार्बन है उसमें भी ऐसे ही होगा. 4 ये अगर ये फर्स्ट नंबर कार्बन, तो सेकंड वाला जो कार्बन है वो भी काइरल होगा क्योंकि उस पर भी ये चारों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं. तो 1 और पीछे कार्बन 2 कार्बन के वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी. 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट शो करेगा. ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट शो करेगा क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये अलग अलग है. तो यहाँ पे इसके वजह से भी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे. तो ये बोल देते हैं यहाँ पे नहीं करेगा शो. तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे नहीं, हर एक काइरल कार्बन की वजह से 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे. तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 2 raised to the power 5 which is 32. Next question, consider the following pair of compounds. हमारे पास दो कंपाउंड हैं. सबसे पहले इसमें पूछा है कि क्या दोनों इनेंशियोमर्स होंगे. इनेंशियोमर्स मतलब दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए. तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं अगर मैं हम दोनों कंपाउंड के बीच में मिरर रखूं, तो अगर मैं इस कंपाउंड के आगे मिरर रखूं तो मुझे ये वाला कंपाउंड मिलेगा. तो ये दोनों इनेंशियोमर्स. और सेकंड ऑप्शन है बोथ आर इन थ्रियो फॉर्म. थ्रियो फॉर्म में क्या होता है, ये जो दोनों ओ एच होंगे सेम साइड होंगे. तो ये थ्रियो फॉर्म नहीं है, ये रेट्रो फॉर्म है. रेट्रो फॉर्म में ये अपोजिट साइड होता है. सॉरी कंफ्यूजन हो गया था. ये जो थ्रियो फॉर्म होता है उसमें दोनों अपोजिट साइड होते हैं, इरेथ्रो में सेम साइड होता है. तो ये दोनों इरेथ्रो नहीं, ये थ्रियो फॉर्म है और ये दोनों एनशियोमर है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 1 and 2. तो ए ऑप्शन से करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड फॉर द अबव कंपाउंड. तो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसकी 1, 2 और 4 पोजीशन पे क्लोरीन है. इट फर्स्ट ऑप्शन है इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. जो बेंजीन का प्लेन है उस प्लेन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है. इट हैज 0 डायपोल. इसके अंदर एक डायपोल मोमेंट होगा. मतलब ये जो क्लोरीन है तो इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर इस क्लोरीन की वजह से एक इम्बेलेंस डायपोल मोमेंट होगा, नॉन जीरो. तो सेकंड ऑप्शन पे गलत है. इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेट. ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये एक sp2 कार्बन है. sp2 कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा. तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं है. इट शोज पोजीशन आइसोमर आइसोमरिज्म. हाँ, ये इसमें पोजीशन आइसोमर शो हो सकता है क्योंकि ये क्लोरीन अगर कहीं और होता तो अलग स्ट्रक्चर देता. अगर ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा. तो
ये पोजिशन आई स्टूडेंट शो करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. द करेक्ट क्वेश्चन 83, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड 1, 2 एंड 3 CHO, OH, या तो एपीमर्स क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एपीमर्स क्या होते हैं वो देखते हैं. एपीमर्स वो होते हैं, कोई भी दो कंपाउंड अगर एपीमर्स हैं उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक कार्बन ऐसा होगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा. जैसे यहाँ पर अगर यानी अगर ये R हुआ तो इसका जो एपीमर होगा उसके अंदर वो S होगा. फर्स्ट और सेकंड एपीमर हुए क्योंकि इसमें पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जो सेकंड कार्बन है उस पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है. तो 1 और 2 एपीमर क्या, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही है क्योंकि सेकंड और थर्ड डाइस्टीरियोमर्स हैं, वो एपीमर्स नहीं है. फर्स्ट एंड थर्ड डाइस्टीरियोमर्स नहीं है, वो एनेंशियोमर्स हैं, और फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं. या सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी आर गिवन 4 स्ट्रक्चर्स एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर काइरल. तो ये तो sp2 कार्बन है, ये काइरल नहीं होगा. इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है, ये भी काइरल नहीं होगा. जो ये कंपाउंड है इसमें ये कार्बन, इस पे सारे ग्रुप्स अलग हैं, इसलिए ये काइरल कंपाउंड होगा इस काइरल कार्बन की प्रेजेंस की वजह से. सिमिलरली जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड को अगर मैं बनाऊं तो ये जो कार्बन है पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल प्रोपाइल और एक हाइड्रोजन, चारों ग्रुप्स अलग हैं इसलिए ये भी काइरल होगा. तो फर्स्ट और सेकंड काइरल है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड काइरल. सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले करा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6. For complete reaction with 1 mole of the above compound, how many moles of HI are required? So, अगर हमारे पास HI है तो जैसे हमने एनी स्कूल के केस में करा था वैसा ही होगा. ये H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये यहाँ से चले जाएगा ताकि यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बो 10 बन सके. फिर यहाँ पे एक आई आएगा, यहाँ ये 1 mole से रिएक्शन, 1 mole से एक सब्सटीट्यूशन हुआ. तो अगर हमें पूरा रिएक्शन कराना है तो हम तीनों को सब्सटीट्यूट करना चाहेंगे, इसलिए 3 moles ऑफ HI वुड बी नीडेड. सो आंसर वुड बी फर्स्ट. व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. हमारे पास एनी सोल है और उसका HI से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके लोन पेयर कंजुगेशन में इस रिंग के पाई बॉन्ड के साथ, इसलिए ये बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग है इस बॉन्ड से. तो ये बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास होगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड. जो SI के साथ रिएक्शन होते हैं वो बेसिक, मतलब वो SN2 भी हो सकते हैं और SN1 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जो हमारा ईथर है उसके ऊपर और मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर टर्जरी कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो SN1 मैकेनिज्म यूज होगा, और अगर कुछ इस टाइप का है कि दोनों ही जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 1 degree हैं तो SN2 मैकेनिज्म से भी रिएक्शन जाएगा. इसका आंसर होगा फर्स्ट. हमें कंपाउंड दिया फिर से वही कर रहे हैं, हम ईथर के साथ HI का रिएक्शन करा रहे हैं. अगर हम इस कंपाउंड को देखें जब ये H प्लस इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आयोडाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये चेन खुल जाएगी
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, या दिस वुड बी द राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, सो लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे ओ सी एच सी है और ये एच बी आर है। एच आई जैसा ही रिएक्शन होगा, ये सी एच थ्री यहाँ से जाएगा, ये एच यहाँ पर आएगा, यहाँ ओ एच हो जाएगा और सी एच सी बी आर बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन यानी गलत। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा कि जैसे कि मैंने पहले बताया था जो लोन पैर है इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए इसका हैलोजनेशन नहीं हो सकता। ये रिएक्शन भी गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती है, ये थर्मोडाइनेमिकली फीजिबल नहीं है कि एच बी आर इस अल्काइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दे। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में भी वही चीज़ है, फोर्थ ऑप्शन भी फीजिबल नहीं है। तो चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर एच होना था। फॉर नाउ लेट्स मार्क द गिवन रिएक्शन। एक्स एंड वाई विल रिस्पेक्टिवली बी, हमारे पास क्या फीस फिर से इथर है, एक्सिस पे चाहिए, देखते हैं क्या बनता है इसके रिएक्शन पे। एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, जो एच आई से रिएक्शन कराएंगे, एक्सिस पे चाहिए हमारे पास और इथर, तो एच आई के साथ रिएक्शन होगा, ये एच प्लस यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, ये बॉन्ड कंजुगेशन में ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से पुश कर देगा, ये बाहर हो जाएगा और इस आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, हमारे पास होगा इथाइल आयोडाइड और फिनॉल। या तो ऑप्शन बी।